ग्रोसरी पैन। सवाल लिखें। कॉस्ट ऑफ एसेट, कल जो किया था महीने गिनने आ गए हैं? नहीं आए महीने गिनने। रोज सुबह उठ के ना कैलेंडर को याद किया करें। अच्छा चले मैं छोटी छोटी प्रैक्टिस कराता हूं। सवाल छोड़े, जबानी सुने पहले। फर्स्ट और जबानी जबानी, फर्स्ट अगस्त, फर्स्ट अगस्त 2020, 31 दिसंबर 2020, कितने महीनों का गया? फर्स्ट अगस्त 20, फर्स्ट अगस्त 20, 31 दिसंबर 20, करने करने सारे करने, ठीक है पांच। 31 मार्च 2018, 30 सितंबर 2019। हाँ जी, 18 महीने, 18 महीने, 18 महीने, पक्की बात सबसे? ये नहीं, 18 नहीं समझ आ रहा। अगर नहीं समझ आ रहा तो आप इनके इनको तोड़ लें। 2018 में कितने महीने? 2018 में कितने महीने? यानी अगर आप कैलेंडर सामने रख लें, महीने गिनने में आसानी हो जाएगी। 2018 में कितने महीने आ रहे हैं? 9। 19 में कितने आ रहे हैं? 9। तो 9 9 18। फर्स्ट जनवरी 20 से लेके फर्स्ट अक्टूबर 20, जज्बाती आंसर है। 9 फर्स्ट अक्टूबर लिखा है मैंने, अभी बस सितंबर ही गुजरा है तो पहला दिन लिखा है तो 9। चल 31 मई 21 से लेके फर्स्ट नवंबर 21, हाँ जी 5 मई तो गया, मई तो निकल गया 31 मई। अब इसके बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तो भी पहली तारीख, तो इसलिए इस पर भी गौर किया करें। नहीं गिने जा रहे महीने और गिन लेंगे। 30 अप्रैल 21 से लेके 31 अगस्त 21, 4 5 6 7 और ये भी पूरा 8 है। चलो तो महीने तो पूरे कर लें यार, दिन तो हाँ ही गिने जा रहे महीने। चले अब देखें सवाल, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एसेट। अच्छा सवाल जो लिखवा रहा हूं उसको जज्बाती होकर नहीं, जरा अकल से सोच के करिएगा। कॉस्ट ऑफ एसेट 360,000, 360 3,60,000। रेजिडेंट वैल्यू 10,000। यूजफुल लाइफ 7,000 hours, 7,000 hours। डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ परचेज
फर्स्ट मई 2021। हाँ ये भी मसला होगा, मई कौन सा महीना होता है? पांचवा। अगस्त आठवा। ग्यारहवा कौन सा होता है? नवंबर। तीसरा मार्च। छठा सही है। अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है। अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर। और एसेट खरीदा था, बल्कि एसेट तो मैंने बता दिया कब खरीदा था। ड्यूरिंग 2021 एसेट वॉज यूज्ड, फॉर 1600 घंटे, 1600 आवर्स। आप बता दीजिए डेप्रिसिएशन 2021 की, 2021 की डेप्रिसिएशन बता दें। ये करूं या ना करूं? हाँ बस इसीलिए कह रहा था कि आपने अकल इस्तेमाल करनी है। स्ट्रेट लाइन अगर होता जैसे कल भी किसी सवाल में किया था, और कल वाले सवाल में मेरे ख्याल में 8 साल लाइफ थी, एक सवाल में 240 कॉस्ट थी, ये ऐसा कुछ था। ये 30,000 क्या है, क्या चीज है ये? डेप्रिसिएशन फॉर कितने अरसे की? एक साल, 12 महीने की। ये चीज कैलकुलेटेड ही 12 महीने के हिसाब से, ये कैलकुलेटेड ही एक साल की है। क्योंकि साल की क्यों है? क्योंकि फार्मूले में क्या किया हुआ, डिवाइडेड बाय 8 ईयर्स। चूंकि 8 साल से डिवाइड किया है तो आंसर निकला है पर ईयर। अब इस पर ईयर की चीज को हमें अगर 8 महीने पे शिफ्ट करना था तो ये क्या हुआ, एक महीना इंटू 8 कर दिया। अब ये जो इस वक्त सामने चीज निकली हुई है, क्या ये कोई 1 ईयर की चीज निकली हुई है? नहीं। तो फिर 12 किस बात का? ये तो हमने ऑलरेडी क्या किया, ये क्या है, ये चीज, ये डेप्रिसिएशन पर आर। अब इस पर आर को फॉर द ईयर कैसे बनाएं? जितने घंटे उस साल में यूज हुआ उसे मल्टीप्लाई करना है, तो कर लिया। 2021 में कितने घंटे यूज हुआ है? तो बस 1600 आ गया। अब ये कितने महीने पहले खरीदा, क्या फर्क पड़ता है? जब हमने इसमें कैलकुलेशन ही उसकी यूजेज के हिसाब से की है, तो अब ये मई में खरीदा होगा, जुलाई में खरीदा होगा, नवंबर में खरीदा हो, क्या फर्क पड़ा? अगर वो दिसंबर में ही खरीदा होता और वहीं अंदर अंदर ही 1600 घंटे इस्तेमाल हो गए होते तो भी 1600, और अगर जनवरी में खरीदा होता और पूरे साल में इस्तेमाल ही सिर्फ 200 घंटे किया होता, सिर्फ 200 घंटे इस्तेमाल किया होता तो 200 आ जाता। तो इसलिए महीनों का इसको फर्क नहीं पड़ रहा, और इसके साथ साथ किसको फर्क नहीं पड़ेगा, यूनिट्स वाले मेथड को। तो इसके लिए आप एक बात लिख लें, जो कल मैंने आपको वो चार्ज पॉलिसी बताई थी, कि ये जो चार्ज पॉलिसी पड़ी है ना, ये आर्ज मेथड यूनिट मेथड के लिए नहीं एप्लीकेबल। ये जो कल चार्ज पॉलिसी पढ़ाई थी, ये यूनिट मेथड और आर्ज मेथड के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो हम ऑलरेडी उस हिसाब से ही डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं जितना वो इस्तेमाल हुआ। जो चार्ज पॉलिसी थी वो यूजेज आर्ज मेथड और यूनिट्स वाले मेथड के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। चार्ज
चार्ज पॉलिसी जो है वो आर्ज मेथड और यूनिट प्रोड्यूस मेथड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये वाली बात दोबारा सुने, मुझे कुछ शक्लों से लग रहा है कि नहीं समझ आया। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम फार्मूले के अंदर डिवाइड करते हैं ईयर्स से, तो इसलिए जो आंसर निकलता है वो डेप्रिसिएशन पर ईयर पूरे 12 महीने के लिए निकलता है, उसका ताल्लुक टाइम पीरियड से होता है। टाइम, अब जब उसका टाइम पीरियड से ताल्लुक है तो हमें फिर उसमें से कुछ महीने चाहिए, इसलिए पहले 12 से डिवाइड करते हैं, उससे क्या होता है एक महीने की डिडक्शन आ जाती है, फिर जितने महीने चाहिए उन महीनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस और सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, इनमें निकली हुई डेप्रिसिएशन का ताल्लुक टाइम पीरियड से है, तभी तो इनकी पहचान क्या है कि इनकी लाइफ ईयर्स में थी, जबकि आर मेथड और यूनिट मेथड में टाइम पीरियड से तो ताल्लुक ही नहीं। ताल्लुक किससे है? उनके इस्तेमाल से। आर मेथड होगा तो जितने घंटे इस्तेमाल हुआ, यूनिट मेथड होगा तो जितने यूनिट्स बनाए। तो आर मेथड और यूनिट मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में तो कहीं ईयर्स ही नहीं आ रहे, यहां ईयर्स कहां है? जब ईयर्स ही नहीं है तो बाय 12 किस बात को करना? तो इसलिए यूनिट मेथड और आर मेथड में ये वाला काम नहीं करना। पूरे साल के शुरू में खरीदा होगा, दरमियान में खरीदा होगा, एंड पे खरीदा होगा, वो चीज इसमें कवर हो जाएगी। अगर थोड़े आर्ज इस्तेमाल हुआ होगा तो थोड़े आर्ज आ रहे होंगे, ज्यादा आर्ज इस्तेमाल आ रहा होगा तो ज्यादा आर्ज आ रहे होंगे। तो इसलिए आर्ज मेथड डेप्रिसिएशन और यूनिट मेथड की डेप्रिसिएशन में इस चार्ज पॉलिसी का कोई अमल दखल नहीं है। ओके, अच्छा, अब हमने डेप्रिसिएशन मेथड भी कर लिए, चार्ज पॉलिसी भी हो गई। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के हवाले से अब मैं आपको कुछ टिप्स बताने लगा। तो अब आप हेडिंग बेशक दे लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन। ये कुछ 5-6 पॉइंट्स हम करते हैं, मैं आपको लिखवाता जाऊंगा, अंग्रेजी समझाता जाऊंगा, और जिसकी जरूरत लगेगी उसका सवाल भी कराता जाऊंगा। मैं आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए कुछ नसीहतें करने लगा। मैंने आपको डेप्रिसिएशन मेथड करवा दिए और चार्ज पॉलिसी भी करवा दी, इन दोनों को सामने देख के करना पड़ता है कि डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर क्या है। कैलकुलेशंस कर ली और अभी आगे प्रैक्टिस चलती रहेगी, बहुत प्रैक्टिस है इस चैप्टर के अंदर, और सबसे ज्यादा टाइम भी मुझे इस चैप्टर के ऊपर ही लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन है। डेप्रिसिएशन मेथड भी करा चुका, अभी उसकी प्रैक्टिस और आगे चलनी है, खत्म नहीं हो गया, अभी चलनी है, और चार्ज पॉलिसी भी करा दी, और इन दोनों को मिला के ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा, हम कर क्या रहे हैं, क्या कैलकुलेशन सीख रहे हैं? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, कौन सा ईयर? अकाउंटिंग ईयर। हम ये करना चाह रहे हैं, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकालना चाह रहे हैं, सारी उसी की मेहनत हो रही है। तो अब सवालों के अंदर कुछ और मसाइल हो सकते हैं जिसके लिए कुछ नसीहतें बता रहा हूं। ये मैंने कहा है कि आप डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ नसीहतें लिख लें, समझाता जाऊंगा, लिखवाता जाऊंगा, और जिसकी जरूरत लगी उसका सवाल कराता जाऊंगा। पहले समझें, एक प्लांट खरीदा, फर्स्ट स्टेप को खरीदा, फिर इसको उठा के लाना था, इंस्टॉल करना था, इस काम में 4 महीने लग गए और हमने कहीं जाकर 1 जून को इसको मुकम्मल किया, इंस्टॉलेशन टेस्टिंग मुकम्मल हो गई, प्लांट वर्किंग कंडीशन में आ गया, लेकिन सेठ साहब गए हुए थे बाहर छुट्टियां गुजार, तो उन्होंने आके फीता काटना था, तो फिर इस प्लांट पे काम शुरू होना था, तो काम शुरू होते होते 1 अगस्त आ गया और इस प्लांट के ऑपरेशंस स्टार्ट हो गए। ये 3 डेट सामने रखी हैं, प्लांट का खरीदना, फिर लाके उसको टेस्टिंग इंस्टॉलेशन पूरी करना, अब वो अवेलेबल हो गया, लेकिन इस्तेमाल करना मजीद 2 महीने बाद शुरू किया। 2021 में डेप्रिसिएशन किस महीने से चार्ज करना शुरू करेंगे? यहां से क्यों नहीं? वर्किंग कंडीशन में नहीं है, हमने एसेट को खरीदना थोड़ी था, हमने तो उसको वर्किंग कंडीशन में लाना था, जब वर्किंग कंडीशन में आएगा तो उसकी जिंदगी स्टार्ट होगी, तो इसलिए यहां से नहीं, यहां से या यहां से। अच्छा, अगर एसेट की लाइफ 10 साल है, 10 साल, तो वो लाइफ 10 साल ना भी इस्तेमाल करें तो 10 के 10 साल बिल्कुल ब्रांड न्यू रहेगा? नहीं, क्योंकि जो लाइफ का अंदाजा होता है ना, ये लाइफ का अंदाजा बहुत सारी चीजों को सामने रख के रखा जाता है, उनमें ये भी होता है कि 10 साल बाद तो टेक्नोलॉजी ही बदल जाएगी, अगर ये साफ सुथरा भी हुआ फिर भी हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई होगी। ये रीजन भी होती है कि शायद हमने अपना बिजनेस बदल लिया हो, ये रीजन भी होती है कि अगर इस्तेमाल नहीं भी हो रहे, जिन लोगों के पास आप में से बाइक होगी या गाड़ी होगी, कोई कन्वेंस होगी, अगर आप उसकी कोई सर्विस वगैरह ना करवाएं और चलाएं भी ना, बिल्कुल गैराज में खड़ी रहे, तो ब्रांड न्यू रहेगी? नहीं, उसके पार्ट्स, उसके नट्स पड़े पड़े भी लूज होने शुरू हो जाएंगे, उनके आपस की जो कंपैटिबिलिटी वो आस्ता आस्ता डाउन होनी शुरू हो जाएगी, यानी कम भी इस्तेमाल होगा या नहीं भी इस्तेमाल होगा फिर भी उसकी परफॉर्मेंस डाउन होगी पड़े पड़े,
इंसान है 20 साल जेल में बंद कर दें तो 20 साल बाद जब निकालेंगे तो बिल्कुल जवान का जवान होगा, नहीं जिंदगी तो गुजरी होगी ना। तो जब एक बार ये वर्किंग कंडीशन में आ गया तो लाइफ शुरू हो गई। अब इस्तेमाल करें चाहे ना करें, लाइफ चलनी शुरू हो चुकी हुई है। तो डेबिट सेशन हम चार्ज करना शुरू कर देंगे जब वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। इसके लिए लिखें अंग्रेजी नंबर वन, डेप्रिसिएशन स्टार्ट्स when the asset is available for intended use, इसका मतलब है जब एसेट वर्किंग कंडीशन में आ गया तो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी शुरू हो जाएगी। स्पेलिंग तो किस चीज के, कोई बात नहीं, इंटेंडेड इन लिखो ना, इन आई एन टेन टी एन टेन डिड डी ई डी जबरदस्त यार। मैंने कहा डेप्रिसिएशन स्टार्ट्स व्हेन एसेट इज अवेलेबल फॉर इंटेंडेड यूज। और कब तक करते रहेंगे डेप्रिशिएट? जब यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी। अच्छा, यूजफुल लाइफ जो अंदाजा सोचा था कि 10 साल, तो हम अब बाउंड हो गए 10 साल लाजमी इस्तेमाल करना है। उससे पहले भी बेच सकते हैं, बेच सकते हैं। तो फिर डेप्रिशिएट कब तक करते रहे? जब तक हमारी बुक्स में रहेगा। तो इसी पॉइंट में अगला सेंटेंस लिख लें, डेप्रिसिएशन एंड्स। पहले मैंने बताया शुरू कब की है, अब मैं बता रहा हूं खत्म कब कर देंगे। डेप्रिसिएशन एंड्स when asset is derecognized de record derecognized। अच्छा, recognized था कि बुक्स में रिकॉर्ड करना, तो derecognized क्या होगा? बुक्स में से निकाल देना। यानी जब तक एसेट हमारी बुक्स में रहेगा डेप्रिशिएट होता रहेगा। अंग्रेजी पॉइंट नंबर वन की रिपीट कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन स्टार्ट्स व्हेन एसेट इज अवेलेबल फॉर इंटेंडेड यूज। और अगली बात उसी पॉइंट में लिखवाई, डेप्रिसिएशन एंड्स व्हेन एसेट इज डीरेकग्नाइज्ड। डीरेकग्नाइज्ड का मतलब है जब बुक्स में से निकाल देंगे। क्या चीज है? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करेंगे? वो तो वही है ना जो मेथड्स पढ़े थे, उनमें एस्टिमेटेड लाइफ, एस्टिमेटेड डाल दी, वो वैसे ही है। जी 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 हाँ। अब उसमें डेप्रिसिएशन, अच्छा सवाल ये है कि डेप्रिसिएशन हमें यहां से चार्ज करनी शुरू कर देनी है, तो वो कह रहे हैं कि अगर है ही आज मेथड तो जून जुलाई में तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। हाँ, तो डेप्रिसिएशन का आंसर जीरो आ जाएगा, लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है इस बात की फिक्र यहीं से शुरू हो जाएगी। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो यहीं से गिनना शुरू कर देंगे, रिड्यूसिंग है यहीं से गिनना शुरू कर देंगे। नेचुरली अगर आज मेथड है तो आंसर जीरो आ जाएगा, वो तो आंसर जीरो आ जाएगा ना, क्योंकि यूजेज नहीं है। वरना डेप्रिसिएशन वैसे अगर देखा जाए कब से शुरू, जैसे एक खिलाड़ी है वो क्रीज पे आ गया, अब वो क्रीज पे जब आया तो 10 बजे थे उस वक्त, अब वो 3 बजे तक क्रीज पे मौजूद है, टेस्ट मैच चल रहा है, तो जब उसका ऑन क्रीज टाइम पूछेंगे ना तो 10 से 3 तक ही गिनेंगे। हालांकि हो सकता है उसने पहली बॉल ही शायद 11:45 बजे खेली हो सकता है, क्योंकि दूसरा बॉल साइड ही बदल लेता था बार बार, वो आखिरी बॉल जैसे ना बचपन में खेलते थे ना तो जो दूसरा है ना वो आखिरी बॉल पे सिंगल ले लेता था, उधर वाला गालियां देता था मेरी बारी नहीं आ रही। तो अब उसने क्रीज पे वो 10 बजे आ चुका था, वहां से टाइम गिनना शुरू हो जाएंगे कि हाँ वो क्रीज पे आ चुका है। तो इसी तरह से डेप्रिसिएशन करनी है। हाँ, अगर आज मेथड है तो फिर आंसर जाहिर है जीरो आ रहा होगा उसका। ऐसे एसेट्स पे ना कि जिन पे अब वक्त गुजर रहा है उनको सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। सवाल ये पूछा है कि अगर हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं और एसेट की परफॉर्मेंस बड़े बड़े भी खराब हो रही है, तो इस तरह के मसाइल का हल होता है एस्टीमेट को चेंज कर लेना। वो हमने पढ़ना है चैप्टर में आगे चल के, वो वहां कवर हो जाएगा। एस्टीमेट चेंज पड़ेंगे हाँ। ये भी कुछ देर में आने लगा पॉइंट, ये भी आने लगा पॉइंट। बस एक पॉइंट लिख लिया, चले जी अगला पॉइंट लिखें। ये भी पहले समझ लें,
इस बोर्ड की, ये जो बोर्ड यहाँ लगा हुआ है, ये कॉलेज का पीपी है ये, क्योंकि ये जो पीपी है ना, ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करते हैं। अब ये जो बोर्ड्स हैं, ये कॉलेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होता है। सिर्फ राइस की बात नहीं कर रहा, किसी भी स्कूल कॉलेज की बात कर रहा हूं, तो बोर्ड्स उनके पीपीई हुआ करते हैं। अगर इसकी लाइफ 5 ईयर्स है, तो इस बोर्ड को जब बोर्ड को दीवार पे लगा लिया, अवेलेबल फॉर यूज हो गया, 5 साल लाइफ है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी शुरू हो गई। 3 साल गुजरे थे, कॉलेज ने एक काम ये किया कि इस, ये तो खैर रूम बड़ा है, छोटे रूम की मिसाल ले लेते हैं, कि इस रूम को अब क्लास हटा लेते हैं, इसको लाइब्रेरी बना देते हैं, फिर देखेंगे अगले सेशन में क्या करना है। दोबारा सुने, बोर्ड जब लगा था तो वो क्लास रूम था, और बोर्ड की यूजफुल लाइफ 5 साल थी, और वो 5 साल पे डेप्रिशिएट होने, 2-3 साल गुजरे, अब मैनेजमेंट को लगा कि हम इस रूम को क्लास की बजाय लाइब्रेरी बना देते हैं, या वैसी कोई स्टडी रूम बना देते हैं। क्लास की जो भी इसका स्ट्रक्चर था वो नहीं छेड़ा, वो सब ऐसे ही है, बस ये क्लास मुख्तस कर दी कि ये लाइब्रेरी है। बोर्ड लगा रहा, अब वो एज अ बोर्ड यूज हो रहा है, नहीं हो रहा यूज। जब वो लाइब्रेरी बन गई, तो इस बोर्ड की 5 साल की जिंदगी तो चल रही है या वो रुक गई? वो चल रही है। हो सकता है साल बाद दोबारा क्लासरूम बना ले, तो इसके यहां का स्ट्रक्चर नहीं बदला, कि फिलहाल हम इसको कह देते हैं कि लाइब्रेरी है, अगले सेशन में देखेंगे। तो क्या उस दौरान डेप्रिसिएशन चार्ज होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि 5 साल तो चल रहे हैं ना, तो फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। इसी को मैं एक और मिसाल बताता हूं, फिर अंग्रेजी लिखवाता हूं। ये तो मैंने मिसाल दी कि अभी सेशन में लाइब्रेरी बना लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे। अब इस मिसाल को थोड़ा सा अमेंड करता हूं। लाइब्रेरी ही बना दी और बस अब इसको छोड़ दिया हुआ यूज करना, बोर्ड लगा हुआ है लेकिन बस अब इसको क्लासरूम में यूज करना छोड़ दिया। क्या पता बाद में किसी और क्लासरूम का कोई बोर्ड उतरे, खराब हो, तो इसको उतार के वहां लगा ले, हो सकता है। यानी कूड़े में नहीं फेंक दिया, लगा हुआ है लेकिन अब ये यूज नहीं होता, इसको हमने लाइब्रेरी डिक्लेयर कर दिया, तो भी डेप्रिशिएट होता रहेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि लाइफ चल रही है। लिखिए अंग्रेजी, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड। अच्छा, मैं जो अंग्रेजी लिखवाता जाऊं ना, अगर आपको उस अंग्रेजी से वो बात ना सही समझ आ पा रही हो जो मैंने समझाई हो, तो फिर आप बेटा खुद अपने अल्फाज में जरूर एक्सप्लेन कर लेना उसको, क्योंकि आपके लिए लिखवा रहा हूं अंग्रेजी। डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड इवन इफ, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड इवन इफ एसेट रिमेन्स आइडल। अच्छा, आइडल ये वाला, फॉरेन फ्री, आइडल मतलब स्पेयर, फ्री है, क्या हुआ वो ये वाला, तो ये वाला फ्री फायर, क्या लिखा मैंने? डेप्रिसिएशन इज चार्ज इवन इफ एसेट रिमेन्स आइडल, और इंग्लिश वाला एक और, एसेट इज रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज, बस ये जो समझाया था ये उसकी अंग्रेजी हो गई। दोबारा बता रहा हूं, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड इवन इफ एसेट रिमेन्स आइडल और एसेट इज रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज। यही जो मैंने अभी क्लास बोर्ड की मिसालें दी थी ना, ये वो बताया है। अच्छा, नहीं नहीं, नया तो फिर नया हो गया ना, पुराना वाला हम समझेंगे बेच दिया, हम आगे चल के पढ़ेंगे एसेट बेचना, तो पुराना वाला बेच दिया, नया वाला खरीद लिया। अरे तो नया है ना वो, उसकी नई जिंदगी नए से शुरू हो जाएगी। नहीं, इस बोर्ड को, लेकिन इसको फ्रेश तो नहीं कहेंगे ना, कहेंगे तो बोर्ड ही। हाँ ये है कि क्लासरूम की बजाय मीटिंग रूम में इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन रहेगा तो बोर्ड ही ना, बोर्ड ही होगा ना, किसी और पर्पस के लिए कर, बोर्ड तो बोर्ड ही होगा, एसी है तो एसी होगा, चेयर है, चलो स्टूडेंट्स के क्लासरूम से उठा के ऑफिस में रख दी तो चेयर ही है ना वो, तो उसकी अच्छा इस तरह से कह रहे हैं, तो फिर वो बोर्ड खत्म हो गया, टेबल बन गई, फिर बोर्ड खत्म हो गया, वो बोर्ड एसेट खत्म, टेबल एसेट बन गया, नया एसेट आ गया।
तो फिर एसेट निकाम हो गया, खत्म, बिजनेस के पास से गया, ब्लाइंड बन गए। अगला पॉइंट लिखे जी, ये भी पहले समझ लें, अगर फर्नीचर खरीदा और उसकी यूजफुल लाइफ का अंदाजा लगाया कि ये 5 साल चलेगा, अच्छा जी 5 साल खत्म हुए और फर्नीचर गायब हो जाएगा, 5 साल तो एकदम खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म गायब नहीं, 5 साल बाद भी वो जिंदा ही होगा, उसको इस्तेमाल कर सकते होंगे। हो सकता है मैनेजमेंट कहे कि अच्छा चलो अभी 1-2 महीने देखते हैं फिर बेच लेंगे, चलो 8-10 महीने और देख लेते हैं, करते करते वो 1-2 साल और निकाल गया, लाइफ 5 साल थी, डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई थी, 5 साल पूरे हो गई डेप्रिसिएशन चार्ज, अब वो हमारे पास फिर भी यूज में है, तो अब चूंकि यूज में है तो डेप्रिशिएट करते चले जाएं, क्यों नहीं, जब डेप्रिशिएट ही पूरा कर दिया तो मजीद क्या डेप्रिशिएट कर लेंगे इसको। लिखिए पॉइंट, इफ अ फुली डेप्रिशिएटेड एसेट इज स्टिल इन यूज, इफ अ फुली डेप्रिशिएटेड, फुली डेप्रिशिएटेड इसको कहते ही इसलिए हैं कि हो गई सारी डेप्रिशन चार्ज जो हो सकती थी, इफ अ फुली डेप्रिशिएटेड एसेट इज स्टिल इन यूज then no further depreciation is charged. then no further depreciation is charged. चल अगला पॉइंट लिखें जी जी तो वो एसेट तो है बट डेप्रिशिएट नहीं हुआ करेगा, डेप्रिसिएशन जो करनी थी वो कर दी, अब बचा कुछ नहीं ना डेप्रिशिएट करने को, तो नहीं करेंगे डेप्रिशिएट। चले अगला पॉइंट समझ ले, पहले ये जो पॉइंट लिखवा रहा हूं ना ये एमसीक्यूज में टेस्ट हो सकता है, उसके अलावा न्यूमेरिकल में टेस्ट चांस कम है लेकिन हो सकता है, मेनली आप कह लीजिए कि ये नॉलेज के लिए बता रहा हूं या एमसीक्यू की बात बता रहा हूं। ये जो हम लोग डेप्रिसिएशन मेथड पढ़ के आए हैं, स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस, ये फैसला कैसे होगा कि कौन सा मेथड यूज करना है, पर्चियां डाली जाएंगी, मशवरा कर लेंगे, क्या होगा, डिपेंड करता है कि यूज किस तरह का है, ठीक है, तो कैसे फैसला करेंगे कि हैं चले यूज कैसा है तो स्ट्रेट लाइन लगेगा, यूज कैसा है तो रिड्यूसिंग लगेगा। अच्छा ये मैं स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा कि स्टूडेंट ने फैसला कैसे करना है, स्टूडेंट को तो बताया होगा और अगर नहीं भी बताया होगा तो उसने डाटा देके फैसला कर लेना है। कंपनी कैसे फैसला करती है, कंपनी ये देखती है कि हमें इस एसेट को यूज कैसे करना है, हमें इससे बेनिफिट्स किस तरह मिलेंगे। जैसे ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, बिल्डिंग क्या बेनिफिट्स देने के लिए बनी है, स्पेस है, शेल्टर है, ये है ना, चौक पे तो बैठ के क्लासें नहीं करते, अजीब लगता, शेल्टर है, वेदर से हमें सेफ्टी मिल रही है, बारिश से सेफ्टी मिल रही है, स्पेस मिल रही है वर्किंग की, तो बिल्डिंग ये बेनिफिट्स देने के लिए बनी है। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल इसके बेनिफिट्स चेंज होना शुरू हो जाएंगे या हर साल एक जैसे ही होंगे, तो जब हर साल बेनिफिट्स एक जैसे होंगे तो मैचिंग कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन भी फिर सेम रहनी चाहिए, यानी स्ट्रेट लाइन यूज होना चाहिए। इसी तरह एक मशीन है, जब नई थी तो बहुत अच्छे बेनिफिट्स, अच्छी परफॉर्मेंस, ज्यादा यूनिट्स बनाती थी, साल गुजरते जा रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस डाउन होती जा रही है तो उसके बेनिफिट्स हर साल कम होते जा रहे हैं। इनको कहते हैं बेनिफिट्स पैटर्न, कि मैनेजमेंट को क्या अंदाजा है कि बेनिफिट्स का पैटर्न क्या होगा। अगर मैनेजमेंट को लगता है, अच्छा ये कोई डाटा नहीं जिसका ग्राफ बन सके, ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल चीज है, अगर मैनेजमेंट को लगता है कि हर साल बराबर बेनिफिट्स मिलेंगे तो उनको स्ट्रेट लाइन यूज करना चाहिए, अगर मैनेजमेंट को लगता है कि बेनिफिट्स कम होते जाएंगे तो रिड्यूसिंग बैलेंस भी हो सकता है, सम ऑफ योर डिजिट बैलेंस हो सकता है। अगर मैनेजमेंट को लगता है कि बेनिफिट्स डिपेंड करता है कि हमने कब कब कितने कितने घंटे इस्तेमाल करना है, वार मेथड, तो लिखिए अंग्रेजी डेप्रिसिएशन मेथड शुड रिफ्लेक्ट द पैटर्न PATTERN पैटर्न In which assets future economic benefits, in which assets asset के assets future economic benefits, future economic, अच्छा अच्छा दोबारा बोल दिया, future economic benefits
आर एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड, टू बी कंज्यूम्ड बाय द एंटिटी. अंग्रेजी रिपीट कर रहा हूं. डेप्रिसिएशन मेथड शुड रिफ्लेक्ट द पैटर्न इन विच एसेट्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड बाय द एंटिटी. यानी एंटिटी को क्या लग रहा है कि एसेट से बेनिफिट्स किस पैटर्न से मिलेंगे. अगर उसको लगता है कि हर साल बराबर बेनिफिट्स मिला करेंगे तो फिर उसको स्ट्रेट लाइन यूज करना चाहिए. अगर लगता है बेनिफिट्स हर साल कम होते जाएंगे तो फिर रिड्यूसिंग यूज करना चाहिए. तो ये मुराद थी इस पॉइंट की कि डेप्रिसिएशन मेथड कंपनी फैसला करेगी अपने अंदाजे को देखते हुए. किस चीज का अंदाजा? कि बेनिफिट्स का पैटर्न क्या होगा. स्टूडेंट को एग्जाम में बताया होता है मेथड, और नहीं भी बताया होगा तो डेटा से हिंट हो जाता है. चलें अगला पॉइंट लिखें. अच्छा ये भी पहले समझ लें. एक मशीन थी और जो भी मेथड वगैरह लगाए उसकी डेप्रिसिएशन 2021 की 60,000 रुपए बन गई. एक मशीन एसेट था हमारा, उसकी 2021 की जो भी मेथड लगाया जो अब तक कर रहे थे, 2021 की डेप्रिसिएशन उसकी 60,000 रुपए बन गई. ये डेप्रिसिएशन क्या है? एसेट है, एक्सपेंस है, इनकम है? एक्सपेंस है. और फिर ये कहां किस स्टेटमेंट में प्रेजेंट होगा? इनकम स्टेटमेंट में. ये एक्सपेंस है. अगर यही मशीन, और ये मशीन हमारे ये एसी है, जैसे ये ऑफिस काम में इस्तेमाल हो रहा है, तो उसकी डेप्रिसिएशन 60,000 है 21 की. अगर ये कोई ऐसी मशीन होती जो हमारा एक और एसेट बनाने में कुछ अरसा इस्तेमाल होती, हमने अपनी एक बिल्डिंग बनाई और इस बिल्डिंग के बनाने में इस मशीन को कुछ अरसा इस्तेमाल कर लिया, और ये 4 महीने 2021 में ये मशीन बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल हो गई, तो फिर ये चीज पढ़ाई थी कि इस मशीन की डेप्रिसिएशन 4 महीने की इस बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगी. तो ये 60,000 पूरा का पूरा एक्सपेंस भी बनेगा और बिल्डिंग की कॉस्ट में भी ऐड होगी. फिर इसमें से 4 महीने यानी 20,000 ये बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी, और जो बाकी बना यानी 40,000 ये एक्सपेंस बनेगा. अगर एक मशीन हमारा एसेट है उसकी डेप्रिसिएशन फॉर द 21 कैलकुलेट की जिस भी मेथड से जो पढ़ लिया वो 60,000 बनती थी, और उसी साल में ये कुछ महीने एक और एसेट बनाने में इस्तेमाल हुई थी, तो फिर उस पोर्शन की डेप्रिसिएशन को उस एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे और बाकी एक्सपेंस बनेगा. फिर ये पूरा 60,000 नहीं एक्सपेंस बन जाएगा, फिर 40 एक्सपेंस बनेगा. चलिए इसकी अंग्रेजी लिख लें. डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज चार्ज्ड, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज चार्ज्ड एज एक्सपेंस. Depreciation for the year is charged as expense unless it is included in the cost of another asset. Unless it is included in the cost of another asset. Angrezi dobara. Depreciation for the year is charged as expense unless it is included in the cost of another asset. ये सारी बातें याद रखनी है आपने, जितना कुछ लिखवा सारी अकाउंटिंग याद करनी है. नहीं नहीं रट्टा नहीं है, ये रूल्स याद ही करने हैं ना, रूल्स तो याद ही करने होते हैं. अब इसमें ये याद करने से मेरी मुराद ये नहीं कि आप उसको कहें डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, फॉर द ईयर की बात क्या था, इज हाँ इज, ये नहीं याद करने को कह रहा, ये बात याद रख ले बस. ठीक है अगला पॉइंट समझते हैं. ये भी पहले समझ लें फिर लिखवाता हूं. एक बिल्डिंग खरीदी और वो बिल्डिंग गार्डन टाउन में एक बिल्डिंग खरीदी और वो बिल्डिंग मिली 25 करोड़ की. अच्छा जिसने बिल्डिंग खरीदी है तो वो 25 करोड़ दे और बिल्डिंग उठा के ले जाए.
नहीं, बिल्डिंग खरीदी है ले जाऊं उठा के, होगा ऐसा नहीं। तो असल में जो बिल्डिंग खरीदी है वो बिल्डिंग भी खरीदी है और जमीन भी खरीदी है, क्योंकि अगर जमीन ना खरीदी होती तो ले जाओ अपनी बिल्डिंग उठा के, तो बिल्डिंग और लैंड दोनों खरीदी। तो इस 250 मिलियन के अंदर पैसे बिल्डिंग के भी हैं और लैंड के भी हैं। बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ 10, 20, 25, 50 कुछ भी हो सकती है, क्योंकि सीमेंट ईंटें पुरानी होंगी होंगी अगर ना भी इस्तेमाल हो, और अगर वो भूत प्रेत ना भी हो, अगर सही भी रहे बिल्डिंग, इवन देन 25, 30, 40, 50 साल बाद बिल्डिंग नहीं रहने के काबिल हो जाती, सीमेंट कच्चा होना शुरू हो जाएगा, ईंटें कमजोर हो जाएंगी और जब सीमेंट ही कच्चा हो जाना है तो उसका सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल बेकार हो जाना है। तो बिल्डिंग की तो एक यूजफुल लाइफ होगी 20-25 साल, लैंड की भी यूजफुल लाइफ होगी। क्यों? लेकिन लैंड तो क्या मतलब वहीं रहनी है, लैंड तो है जब तक या तो जल्दरा आके वो फट के जमीन खत्म ना हो जाए, या फिर कोई ऐसा इलाका हो जहां पर कुछ अरसे के बाद, क्योंकि ये जो पानी होते हैं ना ये जगह अपनी बदलते भी रहते हैं, या तो कुछ अरसे बाद दरिया ने वो जगह ले लेनी हो फिर भी जमीन गायब हो जाएगी, या किसी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में आ जानी हो कि पुल वगैरह बन जाए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो बस जमीन है, फिर हमारे पास रहेगी जमीन, तो उसकी यूजफुल लाइफ क्या होगी? अनलिमिटेड ही होगी। तो जब उसकी यूजफुल लाइफ ही अनलिमिटेड होगी तो लैंड को डेप्रिशिएट कैसे करेंगे? लैंड को नहीं करेंगे फिर डेप्रिशिएट, क्योंकि जब यूजफुल लाइफ ही नहीं है तो फिर डेप्रिशिएट कैसे करेंगे? तो फिर इस 250 मिलियन का क्या करें? इस 250 मिलियन में से देखना पड़ेगा कि लैंड की कितनी वर्थ है, क्योंकि इस इलाके में अगर ये 2 कनाल की जमीन खरीदी जाती तो इस 25 करोड़ में से शायद 15 करोड़ की वो लैंड होती। तो इसका मतलब इस 25 करोड़ में से 250 मिलियन में से फिर 150 मिलियन लैंड पोर्शन होगा, 100 मिलियन फिर बिल्डिंग पोर्शन होगा। तो डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगी 250 पे? 100 पे। लिखिए अंग्रेजी जी। लीज तो भी बहुत नन्हे मुन्ने यार, तो एफ आर टू में पड़ेंगे आप जाके। लीज तो होती क्या लीज? जगह हमने क्या किया है? जगह हमने लीज ही ले लिया। लीज क्या होती है? सही, बस आ रहा जवाब इसका, अगले पॉइंट में आ रहा जवाब। हमने ये जो लैंड है जो खरीदी है, जो अपने नाम करवाई है, हमारा ये इरादा है कि इसको बेच के यहाँ से 10 साल बाद चले जाएंगे। देखें, जमीन खरीदने में ऐसा होता नहीं, ये तो वो बात है कि अगर कोई ऑफिस किराए पे लिया है फिर तो ये बात समझ आती है कि 10 साल बाद हम यहाँ से चेंज कर जाएंगे। अगर बिजनेस ने वो जगह खरीद ली है फिर बिजनेस नहीं जगह छोड़ता, फिर नहीं होगा, फिर जमीन हमारे पास ही होगी। ये नहीं होगा कि जमीन हम खरीद तो लेते हैं लेकिन 10 साल बाद बेच देंगे, नहीं, बिजनेस नहीं करता ऐसा। अच्छा, इसमें ये बात भी सोचिए कि ये जो आपके जहन में सवाल आते हैं ना, वो इसलिए भी आते हैं क्योंकि आप इंडिविजुअल हैं, आप कंपनी नहीं है। तो हम इंडिविजुअल्स के लिए तो बात समझ आती है कि चलो अभी है, 10 साल बाद बेच देंगे, बच्चों की पढ़ाई भी है, ये भी है, वो भी करना है। बिजनेसेस में ये इस तरह से नहीं हो रहा होता कि 10 साल बाद, नहीं, बिजनेस नहीं बेचेगा, जमीन रखेगा जब तक बिजनेस है, मजीद ग्रो करना है तो करेंगे, वो बिजनेस जमीन नहीं बेचता होता। लिखे अंग्रेजी लिखे। अच्छा, पहले तो पॉइंट की अंग्रेजी लिख लेना, हो सकता है फिर ये बीच में जो सवाल है वो वहीं रिजॉल्व हो जाए। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अच्छा चलो, तो फिर भी अगर ये जो लोग आप सवाल पूछते हैं, अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान लें कि हाँ ऐसा है, बस लैंड हमने चले जाना है, छोड़ देना है 10 साल बाद इसको, फिर हो जाएगी इसकी यूजफुल लाइफ। तो अंग्रेजी लिखे, लैंड एंड बिल्डिंग्स आर सेपरेबल एसेट्स, सेपरेबल यानी इनको हम अलग अलग कर सकते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग आर सेपरेबल एसेट्स, सेपरेबल, सेपरेबल एसेट्स एंड आर अकाउंटेड फॉर सेपरेटली, एंड आर अकाउंटेड फॉर सेपरेटली, यानी लैंड अलग डेबिट होगी, बिल्डिंग अलग डेबिट होगा, ये मतलब है अकाउंटेड फॉर सेपरेटली, इवन इफ एक्वायर्ड टुगेदर, इवन इफ एक्वायर्ड टुगेदर, इवन इफ परचेज्ड टुगेदर, परचेज्ड। तो जो मैंने मिसाल ली तो उसमें हमने बिल्डिंग खरीदी लेकिन वो बिल्डिंग और लैंड दोनों खरीदी है, फिर भी हम बिल्डिंग अलग और लैंड अलग डेबिट करेंगे, यहां तक की अंग्रेजी का इतना मतलब है। इसी अंग्रेजी को आगे बढ़ाइए। जनरली जनरली लैंड हैज एन अनलिमिटेड लाइफ,
जनरली लैंड हैज एन अनलिमिटेड लाइफ, एंड देयरफॉर इज नॉट डेप्रिशिएटेड. जनरली लैंड हैज एन अनलिमिटेड लाइफ एंड इज देयरफॉर नॉट डेप्रिशिएटेड. यानी लैंड की जनरली अनलिमिटेड लाइफ होती है, इसलिए लैंड को डेप्रिशिएट नहीं करते. इसी में आगे चल रहा है, बिल्डिंग्स हैव अ लिमिटेड लाइफ, बिल्डिंग्स हैव अ लिमिटेड लाइफ एंड देयरफॉर बिल्डिंग्स हैव अ लिमिटेड लाइफ एंड देयरफॉर आर डेप्रिशिएटेड. सारी अंग्रेजी रिपीट कर रहा हूं, लैंड एंड बिल्डिंग्स आर सेपरेबल एसेट्स एंड अकाउंटेड फॉर सेपरेटली इवन इफ एक्वायर्ड या परचेज टूगेदर. कि अगर हमने बेशक इकट्ठे भी खरीदा हो फिर भी हम लैंड और बिल्डिंग अलग अलग डेबिट करेंगे. और इसी में अगली बात मैंने ये की कि लैंड की जनरली लाइफ अनलिमिटेड होती है, इसलिए इसको डेप्रिशिएट नहीं करते. जनरली लैंड हैज एन अनलिमिटेड लाइफ एंड देयरफॉर इज नॉट डेप्रिशिएटेड. और अगली बात ये बताई कि बिल्डिंग्स हैव लिमिटेड लाइफ एंड देयरफॉर आर डेप्रिशिएटेड. तो लैंड की डेप्रिसिएशन नहीं होती, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन होती. अच्छा, इसमें ना कुछ हालात ऐसे हो सकता है, नाम लेके बता रहा हूं क्योंकि सवालों में ये मिल सकता है. एक होती है लीज होल्ड प्रॉपर्टी. उसकी मिसाल ऐसे समझ लीजिए कि एक सरकारी जगह थी और उनसे वो जमीन खरीदी, तो उन्होंने कहा ठीक है हमने आपको जमीन बेच दी, रुपए दे दें, लेकिन हमेशा के लिए नहीं बेची, 20 साल के लिए दे रहे हैं आपको, बस 20 साल बाद ये जगह हम आपसे वापस ले लेंगे. अब वो जमीन हमने गवर्नमेंट से खरीदी ही 20 साल के लिए, उसके अलावा गवर्नमेंट हमें वो जमीन नहीं देने को तैयार. 20 साल बाद गवर्नमेंट वापस खरीद नहीं लेगी, गवर्नमेंट वापस हमसे ले लेगी, खरीदेगी नहीं, वापस ले लेगी जमीन. बस उसने हमें 2 करोड़ में बस 20 साल के लिए वो जगह दी है, इसको लीज होल्ड प्रॉपर्टी भी कहते हैं. अब इस है, नहीं वो 2 करोड़ कैश पे किया और बस जमीन ले ली, लेकिन है 20 साल के लिए बस. गवर्नमेंट इस तरह से डीलिंग करती है, गवर्नमेंट इस तरह से 99 साल के लिए भी लीज होती है. अब इस सूरत में क्या होगा, लैंड डेप्रिशिएट होगी. हाँ, अब होल कितने अरसे पे, 20 साल. तो अगर लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती, वैसे उर्दू में लिख लेना, अगर लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है तो वो फिर डेप्रिशिएट होती है जो भी उसका पीरियड है. अगर कोई लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है, लीज होल्ड, लीज LEASE होल्ड, अगर कोई लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है तो वो हाँ अपने पीरियड पे जरूर डेप्रिशिएट होती है. बाकी इसके अलावा मजीद लीजेस बड़ी तफसील से FR2 में पढ़ेंगे आप लोग. जी इनके लिए ना स्टैंडर्ड अलग होता है, ये जो एग्रीकल्चर वगैरह की चीजें होती है ना रिसोर्सेस, इनके लिए आय सोना नहीं है. जी जी उसका मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट क्या तरीका करेगी, कि पैसे देगी क्या करेगी. अगर पैसे दे देगी तो हम उस एसेट का बेचना मान लेंगे, उसने इतने पैसे में बेच दिया. अगर जमीन ने वापस ले ली हमसे 20 साल पहले, कहीं यहाँ अंडरपास बनाना है तो उसके पैसे ही देंगे यकीन कोई ना कोई, तो वो ऐसे ही समझेंगे हमने एक एसेट बेच दिया, तो हमने डिस्पोजल पढ़ना है इसमें आगे चल के. अगला पॉइंट लिखे जी. हाँ जी, मुझे नहीं पास समझाई. हाँ तो वो मैं बता रहा था ना कि ये जो अभी मैंने दरिया की मिसाल ली थी, कि अगर हमने किसी इलाके में कोई टूरिस्ट का इलाका है, टूरिज्म का इलाका है, वहां हमने एक जमीन खरीदी और वहां अपने होटल बना लिया, हमें इस बात का पता है हिस्ट्री को देखते हुए कि ये जगह बस 10 साल 15 साल रहनी है, उसके बाद दरिया ने जगह बदल लेनी है, फिर ये जगह खत्म हो जानी है, ये जमीन दरिया के अंदर आ जानी है, तो फिर उसकी लाइफ हाँ होगी, फिर उसकी यूजफुल लाइफ बिल्कुल होगी और डेप्रिशिएट भी होगी. अगला पॉइंट समझें और लिखें. पहले समझाता हूं, नहीं वो डिस्टर्ब कर गया पीछे. कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो बहुत महंगे बहुत बड़े एसेट्स हैं, जैसे एक जहाज है, अगर
और ये जो एयरलाइंस हैं इनके तो ये एसेट्स होंगे एयरप्लेन्स। इन्होंने एक प्लेन खरीदा 700 मिलियन का और इस प्लेन की यूजफुल लाइफ 40 साल थी। तो इस प्लेन के सारे पुर्जे नहीं 40 साल चलेंगे, हो सकता है कि इसमें जो इंजन हों वो 10 साल बाद चेंज 20 साल बाद चेंज हो जाने हों और इसमें से उनका पोर्शन 350 मिलियन हो, इन्होंने 20 साल बाद चेंज हो जाना हो। जहाज 40 साल चलेगा लेकिन 20 साल के बाद इंजन चेंज कराने पड़ जाएंगे। इसी तरह से जो इसके अंदर सारी वो कैबिन फिटिंग है, जो अंदर सारी सीटें वगैरह लगी हुई हैं, हो सकता है, और ये टोटल 80 मिलियन की थी, हो सकता है कि इनको 10-10 साल बाद चेंज करना पड़ता हो। और उसके अलावा आप जो मेन जहाज है, ये तो इंजन थे ना, असल में तो जहाज का पूरा मेन फ्रेम है, जो बाकी जो एक्सटीरियर था मेन फ्रेम कह लेते हैं उसको, ये है असल में 40 साल वाला। कितना रह गया? 270 मिलियन। ये है जिसने 40 साल चलना है। एसेट एक है जहाज, लेकिन उसके कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनकी लाइव्स डिफरेंट हैं। जैसे मैंने कहा कि जहाज की ओवरऑल लाइफ 40 है, लेकिन असल में वो इसके ढांचे की लाइफ 40 है। ये जो जहाज गाड़ी मेन इसकी बॉडी होती है, मेन चीज ढांचा है, सारी फ्रिक्शन वगैरह सब इस ढांचे की बेस पे होती है। तो जहाज का जो मेन ढांचा है उसकी लाइफ 40 साल है। इंजन 20 साल बाद चेंज करने पड़ सकते हैं और अंदर जो सब सीटें हैं और जो उसके अंदर सारा सामान रखने वाला एरिया होता है, अंदर सारा कुछ चुका है, जो जहाज के अंदर सब कुछ है वो कैबिन फिटिंग्स है, वो हो सकता है 10 साल बाद चेंज करने हो। तो अब ये एसेट तो एक है, हाँ जहाज एसेट एक है, लेकिन इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज फिर कैसे करें? और बल्कि मैं हाँ एक चीज और चेंज कर देता हूं, 20 साल की बजाय मैं कह देता हूं कि 1,00,000 आर्स ऐसे कह देता हूं। हाँ जी, अब इस जहाज 700 मिलियन को डेप्रिशिएट कैसे करें? तो बेशक एसेट एक है, लेकिन फॉर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन हमें इसके टुकड़े करके उन टुकड़ों को डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। ये किन एसेट्स की बात हो रही है? जो बहुत बड़े एसेट्स होंगे उनकी अमाउंट बहुत ज्यादा होगी और उनके कंपोनेंट्स भी बहुत बड़े 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 महंगे होंगे। ये साइकिल मोटरसाइकिल की बात नहीं हो रही कि मोटरसाइकिल को अलग डेप्रिशिएट करने, उसके एयर फिल्टर को अलग करने, ट्यूब को अलग करने, नहीं, ये बहुत महंगे खर्चों वाले की बात हो रही है। तो अच्छा, स्टूडेंट ने भी ये फैसला नहीं करना होगा कि महंगा कि नहीं है, स्टूडेंट को ये टुकड़े खुद करके दिए होंगे, और जब स्टूडेंट को एक एसेट के टुकड़े खुद कर दिए तो स्टूडेंट को पता है कि वो ये वाली चीज टेस्ट हो रही है। तो इसमें फिर क्या किया जाएगा डेप्रिसिएशन के लिए? सब पोर्शन को अलग अलग डेप्रिशिएट किया जाएगा और मेथड भी अलग हो सकते हैं। हो सकता है इसको स्टेट टाइम पे करें, इसको आर्ट्स पे करें, इसको रिड्यूसिंग पे करें। ये बात आई समझ? हम स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट को तो बताया होगा, कंपनी को अंदाजा हो जाता है, पता चल जाता है, अंदाजा हो जाता है कि ये जो पार्ट्स हैं इनकी कॉस्ट क्या, पता चल जाता है। लिखिए इसकी अंग्रेजी, नहीं ये सब्जेक्टिव है, ये बिजनेस। आईएस ने तो ये भी नहीं कहा कि किस किस नाम से एसेट बनाना है, आईएस ने मिसालें बताई थी जो मैंने क्लासेस कही थी। अब आईएस ने बोर्ड तो नहीं कहे होंगे, ये तो कॉलेज ने बताना है कि हमारा एसेट है। तो इसी तरह से आईएस ने ये कोई मिसाल नहीं बताई है, आईएस ने बस कहा है कि आप देख लें जो भी एसेट लगता है ऐसा है उसको कर लें। स्टूडेंट को अगर ये चीज टेस्ट हुई तो स्टूडेंट ने नहीं ये टुकड़े करने होंगे, उसको पता होगा ये सारा कुछ, उसको दी होगी इन्फॉर्मेशन। हाँ ये हो सकता है मैक्सिमम किन फिगर्स के बताने की बजाय ये कहा जाए कि परसेंटेज कि इसमें से 40% इसको प्रेजेंट कर रहा है, 30% इसको प्रेजेंट कर रहा है, ये हो सकता है। वो भी इनकी अपनी अपनी होगी रिजर्व वैल्यू इसकी भी कोई ना, क्योंकि अगर इंजन रिप्लेस होंगे तो पुराने इंजन का कुछ ना कुछ तो करना होगा ना, तो इन सबकी आरवी भी अपनी अपनी होगी। ईच पार्ट, इसी की अंग्रेजी लिखवा रहा हूं, ईच पार्ट, अगला पॉइंट है ईच पार्ट, कुछ 4-5 पॉइंट तो लिख लिए हैं, अच्छा 7वां है, ठीक है चलें, कुछ पॉइंट्स हैं ना, वो 7वां है कि 8वां है, कौन सा इसका रोल नंबर है, जो मर्जी है, बस पॉइंट्स लिखवा रहा हूं आपको। ईच पार्ट ऑफ एन एसेट, ईच पार्ट ऑफ एन एसेट विद अ कॉस्ट, विद अ कॉस्ट दैट इज सिग्निफिकेंट, ईच पार्ट ऑफ एन एसेट विद अ कॉस्ट दैट इज सिग्निफिकेंट
सिग्निफिकेंट SIG NI in relation to the total cost of asset, in relation to the total cost of asset, shall be depreciated separately. इस अंग्रेजी का यही मतलब है, ईच पार्ट ऑफ एन एसेट विद अ कॉस्ट दैट इज सिग्निफिकेंट इन रिलेशन टू टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट शैल बी डेप्रिशिएटेड सेपरेटली। तो उसकी ये मिसाल आप यहां लिखना चाहे, नोट करना चाहे, जरूर कर लें। उधर लिखना क्या मैं दो एंट्रीज हैं, उसके बाद फिर अगली क्लास में मैं आपको इसकी टी अकाउंट्स और इनकी प्रैक्टिस कराऊंगा। डेप्रिसिएशन की एंट्री बता रहा हूं, बाकी फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली, और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की हमने डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, कौन सा ईयर, अकाउंटिंग ईयर, और ये काम हम हर अकाउंटिंग ईयर के एंड पे कर रहे होंगे। उसके लिए डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा लगाना था लगा लिया, चार्ज पॉलिसी लगा ली, अमाउंट निकल आई फॉर द ईयर, और इन नसीहतों का ख्याल करते हुए जो अभी लिखवानी थी कर ली कैलकुलेट। अब उसकी एंट्री क्या करनी है, इसके दो तरीके हैं, और ज्यादा जरूरी तो एक ही है, लेकिन सवालों में दूसरा तरीका भी इस्तेमाल हुआ होता रहा है, इसलिए दोनों बता रहा हूं। एक तरीका है इफ एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एट ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, या फिर इफ एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एट नेट कैरिंग अमाउंट। और चूंकि मैंने आपको अभी पढ़ाया सिर्फ कॉस्ट मॉडल ही है, तो अभी मैं इसको, ये जो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट है आप इसको बेशक कॉस्ट समझ लें, जब रिवैल्यूएशन मॉडल बता दूंगा तो उसमें फिर बल्कि मैं भी लिख के आऊं तो लिखने में क्या हर्ज है, कॉस्ट या रिवैल्यूड अमाउंट। अभी चूंकि मैंने रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं पढ़ाया तो इस बात का मेरा मतलब है कि एसेट अकाउंट में उसकी कॉस्ट आ रही होगी बस, अगर ऐसा हो तो एंट्री क्या होगी, और अगर एसेट अकाउंट में नेट बुक वैल्यू आती जा रही हो तो एंट्री क्या होगी। इसकी एंट्री लिख देता हूं, बाकी मैं इसके सवाल से बात पूरी समझा सकूंगा फर्क क्या है दोनों में, अभी बस एंट्री लिख रहा हूं, सवाल कराऊंगा तो ही बात समझ आएगी। ये आसान है, पहले ये समझाता हूं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, रिकॉर्ड करना है तो एक्सपेंस बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा, बढ़े एक्सपेंस तो डेबिट या क्रेडिट, डेबिट, डेप्रिसिएशन के नाम से एक एक्सपेंस अकाउंट हो जाएगा डेबिट। एसेट पे क्या फर्क पड़ रहा है, कम होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो एसेट हो जाएगा क्रेडिट।
एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट कम हो, एसेट क्यों कम हो रहा है? अच्छा एसेट वो जो है वो सुकड़ता जा रहा है, ये बोर्ड छोटा होता जा रहा है, नहीं वो वैल्यू हम कम करते जा रहे हैं, हम एसेट की वैल्यू में से निकाल निकाल के एक्सपेंस बनाते जा रहे हैं, तो इसलिए एसेट कम हो रहा है। लेकिन इन दोनों में से बाय डिफॉल्ट ये है, ये इतना अच्छा तरीका नहीं है, बाय डिफॉल्ट तरीका ये है। मैंने ये रीजन बताई थी कि सेल्स जब गुड्स बेचते हैं तो सेल्स हैं, और अगर वापस आ रही हैं तो सेल्स डेबिट करने की बजाय सेल रिटर्न का अकाउंट क्यों रखा हो, क्यों सेल्स ही डेबिट कर देते हैं, ताकि ट्रायल बैलेंस में सेल्स अकाउंट का बैलेंस अलग आ रहा हो, सेल रिटर्न का अलग आ रहा हो। ये मैंने यहां फिगर लिख के भी बताया था, इस जगह मुझे याद है कि अगर सेल्स हुई होती 1,00,000 और रिटर्न हुई होती 90,000, तो अगर लिखने वाले ने सेल्स और रिटर्न्स को आपस में नेट करके लिखा होता तो सिर्फ सेल्स 10,000 नजर आ रही होती। फिकर की बात है, लेकिन ज्यादा फिकर वाली बात यह है कि सेल्स 1,00,000 की थी और रिटर्न्स 90,000 की होगी, यह ज्यादा फिकर वाली बात है। कस्टमर ही नहीं आ रहे, चलो फिकर की बात है, आते हैं और बेइज्जती करके चले जाते हैं, यह ज्यादा फिकर वाली बात है। तो इसलिए बिजनेस सेल्स और सेल रिटर्न्स का अकाउंट अलग रख रहा होता है। कुछ यही रीजन है कि एसेट जो खरीदा उसके लिए अकाउंट अलग रखा जाता है, और जो उसमें कमी करनी है डेप्रिसिएशन की वजह से उसके लिए एक अलग अकाउंट रखा जाता है। सेल रिटर्न का ताल्लुक किस ग्रुप से? सेल रिटर्न है इनकम ग्रुप में ही, लेकिन डेबिट हो रही होती है। परचेज रिटर्न एक्सपेंस ग्रुप में ही है, लेकिन वो क्रेडिट रहा होता है क्योंकि उसने परचेजेस में से लेस होना होता है। सेल रिटर्न इनकम ग्रुप है लेकिन अलग अकाउंट है, सेल में से लेस होना होता है। इसी तरह से एक अलग अकाउंट क्रिएट किया जाता है जो है एसेट ग्रुप का, लेकिन उस अकाउंट को यूज किया जा रहा है ताकि डेप्रिसिएशन के नाम से जो कमी हो रही है एसेट में वो उस अकाउंट में रिकॉर्ड की जाए। यहां पर क्या क्रेडिट किया था? एसेट ही क्रेडिट कर दिया था, एसेट ही को कम कर दिया था। यहां पर एक नया अकाउंट क्रिएट किया जाएगा, डेप्रिसिएशन तो डेबिट होगी, ये तो एक्सपेंस है। उस सेपरेट अकाउंट को कहा जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बाकी मैं अगली क्लास में फिगर्स लेके बताऊंगा ना, तो उस बात को मैं और समझा दूंगा। ये एक एसेट ग्रुप का ही अकाउंट है, कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट हो रहा है। ये एसेट ग्रुप का अकाउंट है, लेकिन बिल्कुल वो रिटर्न्स की तरह की नेचर है कि एसेट को कम करना था लेकिन एक अलग अकाउंट बना के उस कमी को लिखना शुरू कर दिया। बाकी इसको फायदा क्या है और प्रेजेंट कैसे करते हैं वो फिर मैं आपको अगली क्लास में बताता हूं। कल मैंने सुनाई थी क्वेरीज, बस अभी कहा था ना सिर्फ। इससे पहले था कॉस्ट की कैलकुलेशन और हल्की सी रेवेन्यू कैलकुलेशन, कल परसों तक जो पढ़ा था। अच्छा मैं आपको ये हदीस तो इंशाल्लाह सुनाया करूंगा और थोड़ी बहुत समझाने की भी कोशिश करूंगा, लेकिन इसके बारे में एक और जरूरी बात ये जहन में रख लें। पेरेंट्स जब कोई नसीहत कर रहे होते हैं और अक्सर बच्चे का जब मूड नहीं होता तो वो खड़ा होकर बात सुन जरूर रहा होगा लेकिन टेढ़े मेढ़े मुंह बनाएगा, और आपको भी इस चीज़ का अंदाजा नहीं है। आप जब इस स्टेज तक पहुंचेंगे वाले की स्टेज तक, तो आपको पता लग जाएगी, बात बिल्कुल पता चल जाएगी कि जो बच्चे शक्ल बना रहा होता है उस शक्ल के पीछे क्या जज्बात छुपे होते हैं, ये वालदैन को पता चल जाता है। अच्छा वो जो वालदैन की नसीहत चल रही है और वो बच्चा जो उस नसीहत को इस लिए सुन रहा है कि मेरे वालदैन की बात है यकीनन मेरे फायदे में होगी, इस सुनने का जज्बा और ये जज्बा, यार क्या कान पकाते रहते हैं, क्या है उन्होंने गुजार ली जिंदगी, उनको क्या पता आजकल के मसाइल क्या है, उनको नहीं पता जिंदगी कैसे जीना है, और इस जज्बे से सुनना, सुन दोनों बातें रहें, दोनों सिनेरियोज में क्या उस नसीहत का असर बराबर पहुंच रहा होगा? नहीं। पहली जज्बे में, पहला जज्बा के वालदैन है उनकी बात कीमती है, जैसे आप लोग यहां मेरी टीचर की ये सारी बातें ध्यान, जो लोग भी पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ने वाले उनकी बात कर रहा हूं, वो सारी बातें ध्यान से सुन रहे होते हैं,
फिकर से सुन रहे होते हैं, कहीं कुछ रह ना जाए, कुछ मिस ना हो जाए, क्यों सुन रहे होते हैं? क्योंकि आपको पेपर में फायदा होता नजर आ रहा है ना, तो हाँ इसके असरात होंगे, लेकिन वो जो क्लास में बैठा जरूर है लेकिन और कहीं ख्यालों में है, मोबाइल की दुनिया में कहीं से कहीं निकल गया है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा सर क्या बोल रहे हैं, उस पर नहीं हो रहे होंगे असरात। तो इसी तरह ना इसी तरह जितने टीए की बात और टीचर की बात बराबर इज्जत से सुनेंगे आप? नहीं, क्योंकि टीचर और टीए के लेवल में फर्क है। टीए की बात हो सकता है सही हो लेकिन उसमें टूटी फूटी होने के चांसेस हैं, टीचर की ज्यादा मुकम्मल बात होगी। ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से जो हमें उनकी जिनके फरमान और जो उनकी जिंदगी गुजारने से चीजें हम तक पहुंचती हैं, सुन्नत है, हदीस है,